हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं शबनम माज आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही स्पेशल तरीके की बाटी, और ये बाटी आप लोग को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी और आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। और ट्राई करके हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये हमारी स्पेशल बाटी कैसी लगी। तो बाटी बनाना हम शुरू करते हैं। बाटी बनाने के लिए मैंने ले लिया है 4 कप आटा और मैं इस पर रिफाइंड का तेल डाल रही हूँ। मैंने आधी कटोरी रिफाइंड का तेल लिया है और आधा चम्मच जितना मैंने नींबू का रस लिया है। नींबू के रस से बहुत ही क्रिस्पी बाटी बनेगी। और नमक ले लिया है मैंने, नमक मैंने टेस्ट के अनुसार डाल लिया है। नमक हम अपने टेस्ट के अनुसार ही डालेंगे, जितना भी आपको नमक पसंद हो खाने में आप उतना डालें। और थोड़ी सी मैंने अजवाइन डाल दी है। अजवाइन आपको पसंद नहीं हो तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। और सभी को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। हम दोनों हाथों से इसे जो है मिक्स कर लेंगे अच्छे से, ताकि हमारे जो बाटी है वो बहुत ही खसखस और क्रिस्पी बने। तो मैंने इसे मिक्स कर लिया है। अब मैं इसमें पानी डाल के इसे गूंथ लूँगी। तो देखिए मैंने आटा गूंथ लिया है। आटा बहुत ही सॉफ्ट गूंथा है और इसे जो है हम थोड़ी देर के लिए ढक के रख देंगे। और ढक के रखने के बाद बाकी का हम जो मसाला है इसका वो तैयार कर लेंगे। तो सबसे पहले मैंने गैस पे कढ़ाई रख दी है। कढ़ाई हमारी गर्म हो चुकी है। अब हम इसमें तेल डालेंगे। आप कोई भी तेल इस्तेमाल कर सकते हैं जो भी आपके पास अवेलेबल हो, सरसों का या रिफाइंड का। फिर इसमें हम आधा चम्मच जीरा डालेंगे। और अब हम इसमें थोड़ी सी लहसुन की कलियां मैंने इस तरीके से काट ली है, तो मैं इसको डाल रही हूँ। लहसुन हमारा गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब हम इसमें प्याज डाल लेंगे। मैंने फाइनली चॉप कर लिया है 2 प्याज को, मीडियम साइज का प्याज है, और इसे मिक्स कर लेंगे। प्याज को हम गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेंगे। फ्लेम मैंने मीडियम ही रखा है। और प्याज हमारा गोल्डन ब्राउन हो चुका है तो हम इसमें 2 कटी हरी मिर्च डालेंगे और 1 गोभी को कद्दूकस कर लिया है, इसको डाल लेंगे और हम इसे मिक्स कर लेंगे। और गोभी को अच्छे से हम कुक कर लेंगे। अच्छे से कुक हो जाए उसके लिए हम इसमें नमक डाल लेंगे। नमक हम अपनी टेस्ट के अनुसार ही डालेंगे। और याद रखेंगे कि बाटी में भी हमने नमक डाला है तो उस हिसाब से हम इसमें नमक डालेंगे। गोभी हमारी थोड़ी कुक हो चुकी है तो अब हम इसमें मटर डालेंगे। मटर डाल के इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसे कवर करके लगभग 5 मिनट तक पका लेंगे। तो 5 मिनट हो चुके हैं, गोभी हमारी देखिए अच्छे से कुक हो गई है। अब हम इसमें 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे और 1/4 चम्मच लाल मिर्च डालेंगे। अगर आपको तीखा ज़्यादा पसंद हो तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। और मैं इसमें थोड़ा सा चाट मसाला डाल रही हूँ और सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सभी को अच्छे से मिक्स करके हम इसे पका लेंगे जब तक कि मसाले हमारे पक न जाएं। लगभग हमें 3 मिनट तक इसे पकाना है।
फ्लेम को मैंने मीडियम ही रखा है। तो 3 मिनट हो चुके हैं, मसाले हमारे पक चुके हैं। अब हम इसमें थोड़ी सी हरी धनिया की पत्ती डाल लेंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। दोस्तों, आपको ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी क्योंकि इसमें मटर और गोभी का बहुत ही टेस्टी कॉम्बिनेशन है। आप ये इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिए और ट्राई करके हमें ज़रूर बताइए। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किया करिए। तो मसाले हमारे तैयार हो गए हैं, अब हम इसे रख देते हैं। और आटे को जो मैंने कूट के रखा था, मैं उसे एक बार और मिक्स कर लेती हूँ, इसे सॉफ्ट कर लेती हूँ। और आप देख सकते हैं इतना सॉफ्ट हो गया है हमारा आटा। और अब हम आटे की लोई बनाकर इस तरीके से भर लेंगे। इसी तरीके से हम दूसरा भी बना लेंगे। सारी बाटियों को हम ऐसे ही बना लेंगे। कढ़ाई में तेल गरम हो चुका है तो हम इसमें सारी बाटियों को डाल लेंगे और अच्छी तरह से हम इसे पहले हल्का एक तरफ से सेक लेंगे और फिर दूसरी तरफ पलट देंगे हम इसको। इसे गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से फ्राई कर लेंगे दोनों तरफ से। और दोस्तों, अगर हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो हमारी सारी बाटियाँ सिक गई हैं, अब हम इसे निकाल लेते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए। दोस्तों, मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।